Dear viewers, Easy Hospital Reception Software में first video Easy Hospital Reception Overview की थी and this one second video Fee Entry and Print Slip. Select Fee Type, Select Doctor, Select or Enter New Patient, Provide Reason for Appointment, Patient Age and Weight, Enter Payment, सेव एंड प्रिंट. तो आए ये असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं. जैसे ही हम इजी हॉस्पिटल रिसेप्शन सॉफ्टवेयर रन करते हैं तो यूजर नेम में स्मॉल ई एंटर और पासवर्ड में स्मॉल ई प्रीडिफाइंड है. आप बाद में अपनी मर्जी के यूजर नेम, पासवर्ड और उनका रोल डिफाइन कर सकते हैं. तो सॉफ्टवेयर में फर्स्ट जो ऑप्शन है फी मैनेजमेंट, इस पर हम क्लिक करते हैं तो जो फर्स्ट बॉक्स हमारे पास आया है वो है फी फॉर. यहाँ हम फॉर एग्जांपल ए टाइप किया और अपॉइंटमेंट फॉर रूटीन चेकअप, और हमने यहाँ पर ओ टाइप किया और यू टाइप किया फॉर एग्जांपल. ये तो हिंट हो गए. और अगर हमें हिंट नहीं आ रहा तो इस खाली बॉक्स में हम एंटर प्रेस करेंगे और नेक्स्ट बॉक्स में जो बाय नेम सर्च के लिए है उसमें हम जैसे ही कोई लेटर टाइप करेंगे तो वो चीज़ जो है वो टाइप जिनमें ये लेटर है वो नीचे आ जाएंगे. तो इनमें से कोई हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं. तो इससे ये पता चला कि हम हिंट से या टाइप करके कोई भी टाइप सर्च कर सकते हैं. उसके बाद अगर हम पीछे बैक जाना चाहें तो कंट्रोल दबाए रखना है ऊपर से शिफ्ट, और हम पिछले बॉक्स में अगर हमसे कोई गलती हो गई, हम बैक जाना चाह रहे हैं तो हम बैक जा सकते हैं. और जो हिंट या जो नेम लिख के सर्च कर सकते हैं किसी टाइप को. उसके बाद हमने एंटर प्रेस किया और डॉक्टर के बॉक्स में आ गए. यहाँ पर भी सेम बॉक्स ग्रीन हो गया है और हमने जो हिंट याद नहीं आ रहा तो हम खाली बॉक्स में एंटर करेंगे और ए प्रेस किया तो जिन डॉक्टर साहबान के नाम में ए है वो नीचे आ गए हैं, उनमें से एक को हमने सिलेक्ट किया. तो अब यहाँ पर इस तरह हिंट की बजाय हमने टाइप करके डॉक्टर सर्च किया. अब उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये ए फॉर अपॉइंटमेंट एंड एन फॉर डॉक्टर नईम, तो यहाँ सीरियल नंबर 3 आ गया है. 2 पेशेंट इसमें पहले ही हो चुके हैं. तो अब हम विजिट के बॉक्स में आए, ये पीछे से ग्रीन हो गया है. अगर तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट है तो हम इस खाली में एंटर कर देंगे, अगर सेकंड है तो एस प्रेस करेंगे. हम खाली में एंटर कर रहे हैं तो अब देखें कि पेशेंट हमें अगर मोबाइल नंबर दे रहा है. दो काम हमने कर लिए कि हमने हिंट या सर्च करके फी टाइप सेलेक्ट की, फिर उसके बाद हमने हिंट या टाइप करके डॉक्टर सेलेक्ट किया. अब जैसे ही हम देखें यहाँ कोई टाइप सेलेक्ट करते हैं तो जो हमारा पेज का कलर है वो भी चेंज हो जाता है. तो उसकी वजह यह है कि हम यहाँ टाइप्स में देखते हैं कि किसी भी टाइप को हम सेलेक्ट करते हैं उसका कलर इधर आ रहा है. तो जो हम हर टाइप का अलग-अलग से कलर डिफाइन कर सकते हैं ताकि उसको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो. तो टाइप और डॉक्टर और विजिट के बाद पेशेंट की बारी आती है. तो पेशेंट का जैसे ही मोबाइल नंबर लिखना हम शुरू करते हैं तो अगर वो मोबाइल नंबर हमारे पास फ़र्ज़ किया ये पेशेंट हमारे पास पहले नहीं आया तो जैसे ही 11 डिजिट कंप्लीट हुए ये बॉक्स ग्रीन हो गया और नीचे लिस्ट में कोई पेशेंट नज़र नहीं आ रहा. तो ये इसकी फर्स्ट विजिट है हमारे पास. फिर हमने एंटर प्रेस किया, नेक्स्ट बॉक्स ग्रीन हो गया है, इसमें हमने लिखना शुरू किया. तो हम देखें कि टाइप कर रहे हैं तो नीचे जो एरो की से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि नेम्स आ रहे हैं. तो इसका फ़ायदा ये है कि जो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी और हम
जो ऐसा ऑपरेटर जो ज़्यादा स्पेलिंग की अंडरस्टैंडिंग नहीं रखता, वो भी इसे ऑपरेट करके सही नेम्स लिख सकता है। तो उसके बाद हमने एक और इंटर प्रेस किया, ये बॉक्स पीछे से ग्रीन हो गया है। यहाँ से हमने एम प्रेस किया, तो मेल और आईडी कार्ड अगर दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो हम खाली खाने में एंटर करेंगे। और एड्रेस अगर दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो खाली में एंटर। और सिटी में हम फॉर एग्जांपल एल टाइप किया, तो जो सिटी पहले यहाँ टाइप किए जा चुके हैं उन वो सारे आ जाएंगे, तो उनमें से कुछ सिलेक्ट कर लिया। अब ये पेशेंट फॉर एवर हमारे सॉफ्टवेयर में एंटर हो गया है, इसे दोबारा हम इस मोबाइल नंबर से या इस नेम से दोबारा कभी भी सर्च कर सकते हैं, और इसकी पेशेंट हिस्ट्री भी यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी कितनी विजिट है और कब कब की हैं और किस डॉक्टर के साथ थी। तो इस पेशेंट की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से एडिट की जा सकती है। अब आ गया रीज़न। रीज़न में फॉर एग्जांपल हमने एफ प्रेस किया तो नीचे फीवर फ्लू आ गया है, हमने सिलेक्ट कर लिया। और एज में हम एज टाइप कर सकते हैं, नहीं तो खाली में एंटर। वेट में खाली में एंटर। और फ़ी, जैसे ही डॉक्टर को सिलेक्ट करेंगे उसकी फ़ी उस फी टाइप के हिसाब से यहाँ खुद ब खुद आ जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब की हिदायत पे या किसी और वजह से हम इसे कम या ज़्यादा मौके पर कर सकते हैं, तो हम इसे काम नहीं कर रहे, एंटर। और पेड में अगर तो पेमेंट बाद में है तो हम ज़ीरो भी लिख सकते हैं, लेकिन हम फुली पेमेंट वसूल कर रहे हैं इसलिए हम खाली में एंटर। और नीचे अब देखें कि सेव के ऑप्शन जो ब्लिंक करने लग गया है और F2 भी ब्लिंक कर रहा है, तो हम कीबोर्ड से F2 प्रेस करके इस अपॉइंटमेंट को सेव कर देते हैं। तो उसके बाद F3 कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, ये टाइप नीचे से सिलेक्टेड है और इसका प्रिंट व्यू हमारे सामने आ गया। अगर एंटर प्रेस करेंगे तो ये स्लिप पेशेंट टोकन प्रिंट हो जाएगा। छोटे थर्मल प्रिंटर का डिज़ाइन है ये, आप लेज़र बड़े प्रिंटर का डिज़ाइन भी लगा सकते हैं। एस्केप और स्पेस बार दबाने से हम वापस चले गए। और अब देखें कि यहाँ सीरियल नंबर अपॉइंटमेंट 4 रेडी है और ये वाला बॉक्स फर्स्ट का सिलेक्ट है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसा पेशेंट आया, फर्स्ट पेशेंट मोबाइल नंबर दे रहा था लेकिन वो हमारे सॉफ्टवेयर में मौजूद नहीं था। अब हमने मोबाइल नंबर लिखना शुरू किया, ये नीचे पेशेंट आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये पेशेंट है, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। और एंटर प्रेस करने से रीज़न के बॉक्स में आ गए, यहाँ यानी फीवर, तो एफ से फीवर सिलेक्ट किया। और एज नामालूम, वेट नामालूम, फी हमने ले ली है। और F2 और जो फिर F3 और ये इनकी स्लिप प्रिंट हो गई और एस्केप और स्पेस बार, तो इस तरह एंट्रीज हो रही हैं। फॉर एग्जांपल आगे नेक्स्ट एंट्री के लिए फिर जो कर्सर फर्स्ट पे मौजूद है हम एंटर प्रेस करते हैं और ये पेशेंट हमें मोबाइल नंबर नहीं दे रहा। जो पेशेंट मोबाइल नंबर हमें देंगे उन्हें ऑटोमेटिकली उनका जो हॉस्पिटल या क्लिनिक के नाम से उनका जो टोकन नंबर या सीरियल नंबर है वो उन्हें मिलेगा, और साथ ही हॉस्पिटल का जो कोई पैगाम या मैसेज ऐड किया गया है उन्हें मैसेज वसूल हो जाएगा। तो इसी तरह डॉक्टर साहब को भी अगर उनके मैसेज अनेबल किए गए हैं तो उनको भी मैसेज जाएगा। अब पेशेंट मोबाइल नंबर नहीं दे रहा तो इसे मैसेज भी नहीं जाएगा, लेकिन इसकी एंट्री हम कर रहे हैं। तो एंटर 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 F2, तो ये सिंपली कुछ एंटर दबा के बड़ी आसानी से एंट्री हो जाती है। और मोस्टली थिंग्स जो हैं प्री डिफाइंड हैं और उनमें भी बहुत थोड़ा टाइपिंग का काम है। तो ये एंट्री हो गई। अब इसी तरह अगर कोई और दूसरे डॉक्टर साहब हैं या एक ही हैं तो फिर तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अब डॉक्टर हमें चेंज करना पड़ गया, तो हम यहाँ ए टाइप किया और एंटर, और ये पेशेंट डॉक्टर आमर साहब को चेक करवाना, तो उनकी अपॉइंटमेंट है। तो उसके साथ जो है कि हम जितने भी डॉक्टर हैं आपके पास, 10 हैं, 20 हैं, और जितनी भी टाइप्स हैं, मतलब अल्ट्रासाउंड है, कोई और सर्विस है, ऑपरेशन है, किसी किस्म की भी फी टाइप है उसको डिफाइन कर लेंगे और हर डॉक्टर के लिए उसका जो फी डिफाइन कर लेंगे और
बस फिर यहाँ से जो फी इंट्रीज हैं वो कोई भी ऑपरेटर जो कंप्यूटर